श्रीगंगानगर के पदमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पदमपुर पुलिस के एएसआई पर व्यक्ति के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। तो दो भाइयों के पारिवारिक झगड़े के प्रकरण में 51 जीजी पहुंची थी पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पदमपुर से। एक पक्ष के व्यक्ति ने एएसआई पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, घायल व्यक्ति का पदमपुर सीएचसी में फिलहाल इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको पदमपुर से बता रहे हैं। और पीड़ित ने पदमपुर थाने में एएसआई के खिलाफ परिवाद दिया है। मारपीट का प्रकरण पहुंचा अब पुलिस अधिकारियों तक। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पदमपुर से जुड़ चुके हैं विनोद सोकल। विनोद, क्या कुछ पूरा मामला है और फिलहाल जानकारी क्या कुछ है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? ये बताना चाहूंगा कि ये श्रीगंगानगर जिले का पदमपुर थाने का मामला है, जहां विवादों में अक्सर ये थाना रहता है। जो पदमपुर का जो थाना है ये हर बार विवादों में ही रहता है, क्योंकि इसी महीने के अंदर अगर देखा जाए तो 3 बार ऐसे मामले सामने आ गए हैं, जिसमें एक एएसआई पर शराब के नशे में एक ऐसी कास्ट के परिवार पर हमला कर दिया गया, और उसके बावजूद भी उसी जिस परिवार पर हमला हुआ उन्हीं को अंदर कर दिया। यानी कि शराब के नशे में चूर इस थाने का एएसआई, इस तरह के मामले 3 बार आ चुके हैं, उसके बावजूद भी ये यहाँ जो एएसआई है वो वहां उसी कुर्सी पे बैठा है, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अभी ताजा मामला है जो आज का ये है, जिसमें पदमपुर के एएसआई पर फिर मारपीट का आरोप लगा है, और दो भाइयों के आपसी विवाद था। विवाद होने के बाद जो थाने का एएसआई है वो मौके पे पहुंचता है और शराब के नशे में था। उस एएसआई ने एक जो युवक था उसके साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की कि जो एएसआई के पास जो डंडा था वो डंडा भी टूट गया, और जो जिस युवक के साथ मारपीट की गई वो गंभीर घायल हो गया, जिसको पदमपुर के सीएचसी में भर्ती करवाया गया। अभी उसका इलाज जारी है, और जो सर्किल के डीएसपी है वो भी अभी मौके पे पहुंच रहे हैं, उसके बाद उसके बयान लिए जाएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों से खबर यही मिल रही है कि जो एएसआई है जिसने नशे में चूर होकर उस पर हमला किया था, उस पर बेरहमी से मारपीट की थी, उसको लाइन हाजिर करने की चर्चा जरूर चल रही है जी। फिलहाल विनोद, पूरा मामला पुलिस अधिकारी तक भी पहुंच चुका है, उच्च अधिकारियों के पास ही पूरा मामला है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई अब होगी? जी बिल्कुल, जो उच्च अधिकारी है उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी, जांच के बाद जो विभागीय कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बेरहमी से मारपीट करना कतई ही उचित नहीं है, क्योंकि दो भाइयों का आपसी विवाद था, कोई बड़ा मामला नहीं था, उसके बावजूद भी एक एएसआई ने नशे में चूर होकर उसके साथ मारपीट की, एक बहुत ही निंदनीय है। और उसके बाद जो ग्रामीण है और लोग हैं, जो मुख्य आगू नेता है, वो भी इकट्ठे हो रहे हैं और एएसआई को हटाने की मांग कर रहे हैं जी। तो यानी कि माना जाए कि एएसआई नशे में था, इसलिए देखिए पूरा मारपीट का मामला, ये घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा ये मामला है, एएसआई पर व्यक्ति के साथ मारपीट का आरोप है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मामला है। इसी एएसआई पर चंद दिनों पहले भी इस तरह के मारपीट करने का मामला और पैसे लेकर कार्रवाई न करने का मामला भी सामने आया था, लेकिन वो मामला एक बार खुर्द-बुर्द हो चुका था, जो पंचायती तौर पर उस मामले को निपटा दिया गया था। लेकिन जो विश्वास सूत्र है वो बताते हैं कि ये एएसआई अक्सर विवादों में रहता है। अगर बात की जाए श्री गंगानगर जिले के पदमपुर थाने की, तो ये थाना हर बार हर समय विवादों में ही रहता है, क्योंकि जो भी इस थाने में आता है वो आने के बाद यहाँ की कुर्सी हासिल करने के बाद पता नहीं उसको क्या हो जाता है, और इतना चूर हो जाता है कि वो जो गरीब लोग हैं उनकी सुनाई करता ही नहीं जी। बिल्कुल विनोद, तो देखिए माना जाए कि जो आप जैसा बता रहे हैं कि पदमपुर थाना हमेशा विवादों से घिरा हुआ रहता है, और एएसआई के खिलाफ पहले भी ऐसा कुछ है मारपीट का मामला, क्योंकि जहां भी पोस्टिंग होती है, तो उम्मीद करते हैं कि इन पे कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लगातार इस खबर पर आप अपडेट देते रहिएगा हमें। तो पदमपुर पुलिस के एएसआई पर ये आरोप लगा है, गंभीर आरोप है, व्यक्ति के साथ मारपीट का ये पूरा आरोप बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि दो भाइयों के बीच पारिवारिक झगड़े के प्रकरण में ही पुलिस वहां पहुंची थी, और एक पक्ष के व्यक्ति ने एएसआई पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। फिलहाल जो एएसआई है और इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है उच्च अधिकारियों द्वारा।